नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 26 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। होली को लेकर प्रशासन हुई अलर्ट। बिहार के 4 स्टेशनों पर मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधा। कोरोना काल में बिहार लौटे कामगारों को अब बिहार में मिलेगा रोजगार। भारत बंद के बीच तेजस्वी ने आज बिहार बंद का किया आह्वान। तेजस्वी यादव ने नीतीश को कहा टपोरी। चले बढ़ते 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। वन मंडल ने निकाली रिक्तियां। वन मंडल ने हाल ही में रेंज वन अधिकारी के कुल मिलाकर 45 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास विज्ञान या इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 19 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.hppsc.hp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। लखीसराय के जलप्पा स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बियावान प्राकृतिक छटाव और घाटीनुमा भूमि के बीच अवस्थित शक्तिपीठ मां जलप्पा देवी स्थान जिले में भी काफी प्रसिद्ध है। जलप्पा देवी पर आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ मंगलवार को खूब लगती है। इसके अलावा यहां प्रत्येक पूर्णिमा, पंचमी, अमावस्या, मंगलवार एवं शनिवार को दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। चानन प्रखंड के पूर्व मुख्यालय बन्नू बगीचा से 2 किलोमीटर उत्तर पहाड़ी क्षेत्र और जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में अवस्थित जलप्पा स्थान मुख्य रूप से गौ पूजा के लिए जाना जाता है। बिहार के 4 स्टेशनों पर मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधा। केंद्र सरकार की पहल के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, गया, बेगूसराय और सिंगरौली एयरपोर्ट को विकसित करने की योजना पर काम हो रहा है। साल 2065 में अनुमानित यात्री संख्या को आधार मानकर जंक्शन के विकास का काम किया जाना है। जंक्शन पर होने वाले विकास कार्यों में यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही विश्व स्तरीय एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसको लेकर मंत्री पीयूष गोयल ने अपना बयान जारी किया है और बताया है कि मंत्रालय ने निजी भागीदारी के साथ स्टेशनों के आसपास अतिरिक्त भूमि पर रियल एस्टेट संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की योजना बनाई है। इसमें देश के अलग अलग राज्य के आकांक्षी जिले के बड़े रेलवे स्टेशन शामिल हैं। मार्च 2021 के रिजल्ट में बिहार के सत्यदर्शी रहे टॉपर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन मार्च 2021 परीक्षा के परिणाम की घोषणा कर दी है, जिसमें बिहार के कुमार सत्यदर्शी ने 100% स्कोर हासिल कर बिहार का मान बढ़ाया है। कुमार सत्यदर्शी जी मेन मार्च 2021 के नेशनल टॉपर भी बन गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जेईई मेन मार्च 2021 सत्र में 13 छात्रों ने 100 NTA स्कोर हासिल किया है। इनमें सत्यदर्शी का नाम शामिल है। इसके साथ ही NTA ने 44 टॉपर्स की लिस्ट भी जारी कर दी है। इसके साथ ही बिहार अभिनव कुमार को चौथा स्थान मिला है। अभिनव को 99.99453% स्कोर हासिल हुआ है। ओबीसी कोटे में कुमार सत्यदर्शी ही टॉपर है। बिहार में अभी और बढ़ेगा तापमान। उत्तर बिहार में गर्मी लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। दोपहर होते ही लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का एहसास होने लगता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 1 से 2 दिनों में तापमान में वृद्धि रहने की संभावना जताई गई है। दिन के तापमान में बीते 24 घंटे में कोई खास गिरावट तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन रात के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक करीब 15-20 किलोमीटर की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्च महीने के अंत तक और ज्यादा गर्मी बढ़ सकती है। इसके साथ ही कुछ जगहों आसमान में बादल भी छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही राजधानी पटना सहित गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई और नवादा जिले में आंधी के साथ बारिश होने के भी आसार हैं। कोरोना काल में बिहार लौटे कामगारों को अब बिहार में मिलेगा रोजगार। लॉकडाउन को 1 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं इस दौरान दूर दूर से प्रवासी कामगार बिहार लौटे थे। हालांकि बिहार वापस लौटे कामगारों की मदद के लिए अब बिहार सरकार ने रोजगार देने का ऐलान किया है, जिसके तहत युवाओं के साथ साथ कामगारों को कौशल विकास पर खासा फोकस किया जा रहा है और रोजगार स्वरोजगार के ठोस उपाय अपनाए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोरोना काल में बाहर के राज्यों से लौटे करीब 20 लाख कुशल और अकुशल कामगारों को केंद्र में रख औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के संशोधन में विशेष रूप से ख्याल रखा गया है। यह औद्योगिक इकाइयां बाहर से लौटे कामगारों के जीविकापार्जन एवं औद्योगिक क्रियाकलापों के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। बिहार के डॉक्टर चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया बिहार का मान। बिहार की प्रतिभा का लोहा हर कोई मानता है, क्षेत्र चाहे जो हो, बिहारियों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं देखी जाती है। इसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसे शिक्षक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बिहार का नाम देश के साथ साथ विदेश में भी ऊंचा किया है, जिसके तहत बिहार के इस शिक्षक को टीचर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, देश के टॉप 10 शिक्षकों में शामिल हुए डॉक्टर चंद्रशेखर दत्त बचपन से ही मेधावी छात्र थे। वो पीएचडी की डिग्री भागलपुर से लेने के बाद देश के विभिन्न नामचीन संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके हैं। वो कुछ दिनों तक अपने गृह जिले में भी सेवा दे चुके हैं।
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग। बिहार में आपराधिक घटनाओं और होली को ध्यान में रखते हुए बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर पर रिव्यू मीटिंग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के डीजीपी के साथ मुख्य सचिव और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। बैठक के दौरान होली को लेकर तमाम तरह के गाइडलाइन जारी किए गए, साथ ही सभी लोगों से त्यौहार के समय विधि व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की गई। इसको लेकर हर तरह पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। होली को लेकर प्रशासन हुई अलर्ट। बिहार में होली के त्यौहार के बीच कोरोना के बढ़ रहे मामलों को लेकर प्रशासन ने राजधानी पटना के कई इलाकों को संवेदनशील घोषित कर दिया है, जिसके तहत पटना सिटी अनुमंडल के चौक, खाजेकला, आलमगंज, सुल्तानगंज, खुसरूपुर पटना, सदर अनुमंडल क्षेत्र के पीर बहोर, शास्त्री नगर, गर्दनीबाग तथा दानापुर अनुमंडल के दानापुर और फुलवारी शरीफ है, सब्जीबाग, लंगर टोली, खजांची रोड, बीएन कॉलेज के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में राजा बाजार, समनपुरा, खाजपुरा, मदरसा गली, जगदेवपथ, गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में अनीसाबाद, चितकोहरा, दमदिया रोड, दानापुर में जमालुद्दीन चक, लालकोठी, सुल्तानपुर, पठान टोली आदि इलाका शामिल है। इसी प्रकार फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में जिन इलाकों को संवेदनशील घोषित किया गया है। भारत बंद के बीच तेजस्वी ने आज बिहार बंद का किया आह्वान। मंगलवार को विधानसभा परिसर में हुई घटना के विरोध में 26 मार्च को बिहार बंद का ऐलान विपक्षी दलों की तरफ से किया गया है, जिसके तहत तेजस्वी ने बिहार के अधिकारियों को अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी भी दे दी है और कहा है कि अधिकारी ये न भूले कि आज अगर एनडीए की सरकार है तो कल महागठबंधन की सरकार भी हो सकती है। तेजस्वी ने कहा कि आज बिहार में लोकतंत्र के मंदिर को तार तार कर दिया जा रहा है। कई सवाल मुख्यमंत्री जी पर भी उठ रहे हैं। बिहार में विधायकों को जूते मारे गए, बावजूद इसके नीतीश कुमार ने कोई निंदा नहीं की है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने यह भी कहा है कि हम भाजपा नहीं है जो डर जाएंगे। बिहार के रक्सौल हवाई अड्डे के चालू होने के फिलहाल कोई आसार नहीं। राज्यसभा में नागर विमानन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ बताया है कि रक्सौल हवाई अड्डा के लिए किसी कंपनी ने रुचि नहीं दिखाई है। इस बाबत उन्होंने आगे कहा है कि भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण के 213 एकड़ भू क्षेत्र वाले रक्सौल हवाई अड्डे का वर्तमान रनवे 30.5 मीटर का है। हालांकि अभी इसका प्रचलन कोई खास नहीं हो पाया है, क्योंकि केंद्र की उड़ान योजना के तहत किसी कंपनी ने यहां के लिए निविदा नहीं दी है। मतगणना बाद कंट्रोल यूनिट से कार्ड निकालने पर ईवीएम हो जाएगा फ्री। पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, मगर चुनाव को लेकर तमाम तरह की घोषणाएं समय समय पर की जा रही है। इसी क्रम में हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक और अहम जानकारी साझा की गई है, जिसके तहत बिहार में पंचायत चुनाव के बाद कंट्रोल यूनिट से कार्ड निकाल कर ईवीएम को फ्री कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के तहत निर्णय लिया है कि मतगणना समाप्त हो जाने के बाद कंट्रोल यूनिट को सीलबंद नहीं किया जाएगा, उसे सुरक्षा व्यवस्था में नहीं रखा जाएगा। वर्तमान में मल्टीपोस्ट ईवीएम का उपयोग चुनाव में होने के कारण ऐसा नहीं किया जाएगा। पूर्व डीजीपी ने पुलिस विधेयक से नहीं डरने की दी नसीहत। बिहार सरकार की तरफ से बजट सत्र के दौरान बिहार पुलिस विधेयक पास करवाया गया। इस विधेयक में पहले की अपेक्षा कुछ संशोधन किया गया है, जिसका विरोध सड़क से लेकर संसद तक देखने को मिला, जिसके तहत पूर्व डीजीपी एसके भारद्वाज ने साफ साफ कहा है कि इस विधेयक में कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। अगर इसका पहले से प्रचार प्रसार किया जाता तो शायद जो हंगामा देखने को मिला वो नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है। पहले बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का 1892 का पुलिस हस्तक था, उसे खत्म कर दिया गया है। उसमें मिलिट्री पुलिस जुड़ा हुआ था, उसके नाम में बदलाव कर इसे पुलिस सशस्त्र अधिनियम 2021 किया गया है। 1861 में पुलिस अधिनियम बना था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार सरकार ने पुलिस अधिनियम 2007 बनाया। कृषि कानून की वापसी को लेकर आज होगा भारत बंद। कृषि कानून की वापसी की मांग पर अड़े किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। आंदोलन के 120 दिन पूरे होने पर इस बंदी का आयोजन किया जा रहा है। किसान संगठनों की तरफ से किए गए इस ऐलान को कांग्रेस, लेफ्ट समेत कई विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया है। किसानों की तरफ से आज के इस बंदी में कुछ चीजों को राहत दी गई है। बंदी में किसी कंपनी या फैक्ट्री को बंद नहीं करवाया जाएगा। मोर्चा के मुताबिक पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर जैसी जरूरत की चीजें खुली रहेंगी। बंदी के दौरान देश भर में सभी सड़कें, रेल परिवहन, बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थानों को बंद करने का ऐलान किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया एक दिन का धरना। जिला मुख्यालय के टाउन हॉल परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन बीते दिन किया था। इस मौके पर कार्यकर्ताओं का बिहार विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर विरोध देखने को मिला। इसके साथ ही देश में चल रहे किसान आंदोलन को जिस तरह से सरकार तवज्जो नहीं दे रही है, किसानों की मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस मामले पर सवाल उठाया गया है। इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार, बिहार भाजपा सहित केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही कहा कि 3 महीने से अधिक समय से किसान धरने पर बैठे हैं, मगर सरकार ने उनकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया है।
लोजपा नेता संजय सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी। राजनीतिक उठापटक के बीच लोजपा नेता संजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने वरिष्ठ नेता संजय सिंह को बिहार प्रदेश का संगठन मंत्री बना दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद चिराग पासवान एवं प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज, महबूब अली कैसर, चंदन सिंह एवं सांसद वीना देवी की मौजूदगी में इन्हें संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। लोजपा के इस निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि पार्टी प्रदेश में स्वर्ण एवं दलितों को अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ेगी। तेजस्वी यादव के नर्सरी स्कूल में नामांकन के लिए भरा गया आवेदन। जदयू के कार्यकर्ताओं ने अब बयानबाजी के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई है, जिसके तहत ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसको लेकर एक सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन भी दिया गया है, जिसमें यह साफ किया गया है कि बिहार में प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत तेजस्वी यादव को भी नामांकन करवा लेना चाहिए। इसको लेकर स्कूल के प्रधानाचार्य ने भी पुष्टि कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एडमिशन करवाने के लिए जदयू के कुछ लोग इस पूरा राजकीय विद्यालय में पहुंचे थे, जहां जदयू की तरफ से यह आग्रह किया गया है कि तेजस्वी यादव पिता के आदि नंबर 3351 लालू प्रसाद यादव, पता 200 वार्ड पटेल नगर, एमपी एमएलए कॉलोनी पटना, बिहार में विपक्ष के नेता हैं। उनके मंद बुद्धि ज्ञान से बिहार में परेशानी होती है। क्या के रिपोर्ट के आधार पर घिरी सरकार। बिहार विधानसभा में कुछ दिनों पहले ही क्या की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके बाद अब विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार घिरती नजर आ रही है, जिसके तहत ही कई तरह की अनियमितता सामने आई है। बिहार में सबसे अधिक बिजली क्षेत्र में काम करने का दावा नीतीश सरकार करती है, लेकिन बिजली कंपनियों ने कई तरह की गड़बड़ी की है और उससे राज्य सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिजली कंपनियों ने डीपीआर तैयार करने में घोर अनियमितता की है। बिना वास्तविक सर्वेक्षण और आवश्यकता तय किए डीपीआर तैयार कर दिया गया है और इसके कारण 1632.67 करोड़ की परियोजना लागत की मंजूरी जल्दबाजी में दे दी गई है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को रात में मोबाइल चार्ज करने की नहीं मिलेगी सुविधा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेनों में अब रात में सफर करने वाले यात्रियों को फोन चार्ज करने की सुविधा नहीं दी जाएगी। पूर्व मध्य रेल की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार अब रात 11 बजे से अगले सुबह 5 बजे तक चार्जिंग प्वाइंट में बिजली की आपूर्ति बंद रहने वाली है। इससे यात्रियों को फोन चार्ज करने में कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इस नियम से रात में यात्रा के दौरान मोबाइल चोरी जैसी समस्याओं में कमी आएगी, साथ ही ओवर चार्जिंग की वजह से मोबाइल ब्लास्ट करने की आशंका भी खत्म हो जाएगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि शताब्दी एक्सप्रेस में अगलगी जैसी घटनाओं पर चर्चा की गई है, इस वजह से यह समस्या आई है, इस पर भी फोकस किया गया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश को कहा टपोरी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों सरकार को लेकर लगातार हमलावर है। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टपोरी की संज्ञा दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आजकल जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल नीतीश कुमार कर रहे हैं, उससे राजनीति की पूरी मर्यादा ही गिर गई है। तेजस्वी ने आगे कहा कि जयप्रकाश नारायण 3 दिनों तक विधानसभा में धरने पर बैठे रह गए थे और सदन में किसी ने भी ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं की थी, जो हमारे साथ नीतीश कुमार के पुलिस के खिलाफ उठाए गए सवाल के बाद हुआ है। उस वक्त भी नीतीश कुमार जी सदन के सदस्य थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की कार्य आचरण भाषा दोनों टपोरी की हो गई है। मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कोई आचरण दिखता ही नहीं है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से मानी जाती है। गुरु अमरदास 1552 में सिखों के तीसरे गुरु आज के दिन बने थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी ने 1972 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन आज के दिन किया था। भारत के उत्तराखंड राज्य में 1973 में किसानों ने वृक्ष की कटाई का विरोध करने के लिए एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन किया, जिसे चिपको आंदोलन कहा गया था। बंगाली सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक और अभिनेता धीरेन्द्रनाथ गांगुली का जन्म साल 1893 में आज के दिन हुआ। हिंदी कवियत्री और हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा का जन्म साल 1907 में आज के दिन हुआ। साल 2006 में भारतीय राजनीतिज्ञ अनिल बिस्वास ने दुनिया को अलविदा आज के दिन कहा। वीटीआर के झूला पुल का आनंद नहीं उठा सकेंगे पर्यटक। वीटीआर के वाल्मीकि नगर से झूला पुल तकनीकी कारणों से पर्यटकों के लिए बंद रखा गया था। इससे अब तक 30,000 रुपए के राजस्व का नुकसान हो चुका है। बताया जा रहा है कि पुल का सपोर्ट पिलर एक ओर झुक गया है। सुरक्षा की दृष्टि के चलते यह निर्णय लिया गया है। जब तक इसे दुरुस्त नहीं कर लिया जाता है, तब तक झूला पुल बंद रहेगा। फिलहाल इस पुल पर खतरा मंडराने लगा है, शीघ्र ही इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। बता दें कि झूला पुल से हर दिन 2,000 से 2,500 रुपए की आमदनी होती है। 600 फीट लंबे इस झूला पुल के निर्माण में लगभग 30 लाख रुपए की लागत आई है।
वनडे और आईपीएल से बाहर निकाले गए श्रेयस अय्यर ने जारी किया ट्वीट। टीम इंडिया के बल्लेबाज अय्यर चोट के चलते इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच की सीरीज के बचे हुए 2 मैच के साथ आईपीएल के 14वें सीजन से भी आउट हो गए हैं, जिसके बाद अब श्रेयस अय्यर ने अपना ट्वीट जारी किया है, जिसके तहत श्रेयस अय्यर ने ट्विटर पर लिखा कि मैं आप लोगों के मैसेज लगातार पढ़ रहा हूं, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैं अभिभूत हो गया हूं, मैं तहे दिल से आप लोगों को इसके लिए शुक्रिया कहना चाहता हूं। जैसा कि कहा जाता है कि चोट जितनी गहरी होती है वापसी उतनी ही मजबूत होती है, मैं जल्द वापसी करूंगा। दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर पार्थ जिंदल ने भी इसकी पुष्टि की है कि अय्यर आईपीएल 14 में नहीं हिस्सा लेंगे। आमिर खान के बाद आर माधवन निकले कोरोना पॉजिटिव। इन दिनों कोरोना ने अपना फन बॉलीवुड में भी फैलाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत हाल ही में रणबीर कपूर, संजय लीला भंसाली और आमिर खान के बाद अब आर माधवन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी आर माधवन ने खुद ही ट्वीट करके दी है, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि फरहान को तो रेंचो को फॉलो करना ही था और वायरस को हमारे पीछे हमेशा से था, लेकिन इस बार उसने हमें पकड़ लिया, लेकिन ऑल इज वेल और कोविड जल्द ही जाएगा कुएं में। हालांकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम राजू को नहीं आने देना चाहते। आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया, मैं काफी अच्छे तरीके से रिकवर कर रहा हूँ। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 25 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 43,920 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,920 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,700 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 93.32 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 86.32 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनीष मोहरा, भरत प्रसाद, अभिषेक राज, सजीत कुमार, रूपलाल कुमार शर्मा, प्रिया रंजन, रंजन प्रसाद, आदित्य कुमार बबलू, नीतीश अहिर, जीत राज, रिया कुमारी, करण यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से बिहार बंद का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।